हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कैसे हम रैप टाइप बीट बना सकते हैं बैंडलैब एप्लीकेशन के अंदर। हमारी हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी एकदम बिगिनर फ्रेंडली रहेगी। चाहे आप FL Studio यूज करते हो, चाहे आप Ableton यूज करते हो या कोई अदर डॉ यूज करते हो, तो भी आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि इसमें मैं आपको अलग अलग ड्रम्स के पैटर्न बताने वाला हूँ जो आप किसी भी डॉ में फॉलो कर सकते हो। तो रैप टाइप बीट में हम जो सबसे पहली बीट बनाने वाले हैं वो है ट्रैप बीट। तो ट्रैप बीट को आप कैसे बनाओगे बैंडलैब एप्लीकेशन में या किसी अदर डॉ में, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल में बैंडलैब एप्लीकेशन खोल लेने। बैंडलैब एप्लीकेशन खोलने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ पांच आइकन्स देखने के लिए मिल रहे होंगे। सेंटर में जो आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ जो ओपन स्टूडियो का लाल कलर में बटन दिख रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना। इस बटन पर क्लिक करने के जस्ट बाद आपका एक टेम्पररी प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है बैंडलैब एप्लीकेशन के अंदर, जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप अपना ट्रैक या फिर सॉन्ग क्रिएट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लेता हूँ, तो इसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर लोड हो रहा है, उसके बाद मेरे सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाता है। तो ये तो बात थी इंटरफेस की। अब चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है कि ट्रैप टाइप बीट कैसे बनाए। बीट बनाने से पहले हमारा सबसे पहला स्टेप ये रहता है कि हम एक मेलेडी बनाए और फिर उस मेलेडी के अकॉर्डिंग हम बनाए अपनी बीट्स। अगर बात करूं बैंडलैब की, तो बैंडलैब में आपके पास दो तरीके होते हैं मेलेडी क्रिएट करने के। पहला होता है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर आपको अलग अलग वैरायटी मिल जाती है इंस्ट्रूमेंट की, गिटार की, कीबोर्ड की और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की, जिसकी मदद से आप अपनी खुद की एक मेलेडी क्रिएट कर सकते हैं स्क्रैच से। पर इस फीचर को यूज करने से पहले आपको म्यूजिक थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, बाकी इसमें हमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। बात करूं दूसरे ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास मेलेडी पाने का है वो है बैंडलैब साउंड्स। इस ऑप्शन के अंदर आपको अलग अलग जेनरे की साउंड्स या फिर सैंपल पैक्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जिनके अंदर सॉन्ग को बनाने में जो हमें एलिमेंट्स लगते हैं वो हमें मिल जाते हैं, जैसे बेस, पर्क्यूशन, बीट्स वगैरह सारी चीजें, जिसमें हमारी मेलेडी भी आ जाती है। मैंने वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट की मदद से कैसे एक मेलेडी क्रिएट कर सकते हैं ये ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है, इसलिए हम इस बार बैंडलैब साउंड्स का यूज करेंगे मेलेडी के लिए। इस बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस इंटरफेस के सबसे टॉप पे हमें तीन हेडिंग्स देखने के लिए मिल जाती है, पैक्स, वन शॉट, लूप्स। तो अभी करेंटली हमें पैक्स की विंडो दिखा रहा है। पैक्स की हेडिंग के नीचे आपको अलग अलग जेनरे की हेडिंग्स भी देखने के लिए मिल रही होगी, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, हिप हॉप, पॉप, R&B और भी बहुत सारे अलग अलग जेनरे। जैसे जैसे आप इधर की तरफ स्क्रॉल करोगे आपको और भी अलग अलग तरीके के जेनरे देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी हम ट्रैप टाइप बीट बना रहे हैं, तो हमें ट्रैप टाइप सैंपल पैक लगेगा, ठीक है। इसलिए मैं जेनरे की हेडिंग में जाके हिप हॉप ट्रैप वाली हेडिंग पे करता हूँ क्लिक। तो अभी आपको नीचे दिखा रहा होगा 107 पैक्स जो कि हिप हॉप और ट्रैप वाले हैं। आप नीचे नीचे स्क्रॉल करके कोई भी अपने मनपसंद का सैंपल पैक सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सुनना है कि उन सैंपल पैक्स के अंदर क्या है, तो यहाँ पे प्ले का बटन भी आपको दिख जाएगा, इस पे क्लिक करके आप सुन सकते हैं कि उस सैंपल पैक के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब चलिए मान लेते हैं कि मुझे इस लिस्ट में से एक सैंपल पैक पसंद आता है, जो कि मर्फी किड इन्फिनिटी पैक करके। तो मैं सिंपली इसके नाम पे क्लिक कर देता हूँ, जो कि नाम लिखा हुआ है इसका। इसके बाद आपके सामने ऐसी कुछ विंडो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे आपको अलग अलग हेडिंग्स ऊपर देखने के लिए मिल रही होगी, बेस, सिंथ, ड्रम, गिटार, कीबोर्ड, किक, स्नेयर, पैड, और नीचे की तरफ आपको उसका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा जैसे आप किसी हेडिंग पे क्लिक करोगे। तो अभी हमें मेलेडी चाहिए, तो मेलेडी बेसिकली कीबोर्ड या गिटार से बजती है। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने कीबोर्ड की हेडिंग पे क्लिक करा, नीचे मुझे रिजल्ट्स देखने के लिए मिल गए। इनके नाम पे एक बार आप सिंगल टैप करेंगे तो ये प्ले हो जाएंगे, आप सुन सकते हैं वो मेलेडी कैसे साउंड करती है। पॉज करने के लिए एक और बार आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। अगर मुझे यहाँ पे से कोई भी मेलेडी पसंद आती है और उसे मुझे प्रोजेक्ट में ऐड करना है, तो आपको सिंपली प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे मैं मानता हूँ कि मुझे नीचे की तरफ ये सेकंड मेलेडी है ये पसंद आ गई, तो अगर मेरे को उसे प्रोजेक्ट में ऐड करना है तो सिंपली इसके पास में जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है आपको इधर, मैं सिंपली इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे प्रोजेक्ट में ये ऐड हो चुके पहले ट्रैक में। बस इसी तरीके से आपको भी एक मेलेडी चूज कर लेनी है और उसे अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं अपनी बीट मेकिंग की तरफ। तो मैंने भी अपनी एक मेलेडी फाइनल कर ली है, मुझे हिप हॉप ट्रैप टाइप जो सैम्पल पैक्स थे उनमें से ये मेलेडी पसंद आई है। मैं इसे प्ले करके भी आपको सुना देता हूँ कि कैसे साउंड करी मेरी मेलेडी। तो ये तो बात थी हमारी मेलेडी की। अब हम बढ़ते हैं अपनी बीट क्रिएशन की तरफ। तो चाहे आप कोई भी बीट बना रहे हो, बीट को बनाने के लिए आपको ड्रम किट या ड्रम पैड की तो जरूरत पड़ेगी ना। चलिए जान लेते हैं कैसे हम ड्रम किट या ड्रम पैड ऐड करेंगे इसी प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, इस माइक वाले सिंबल के नीचे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ट्रैक टाइप की हेडिंग आ जाएगी। यहाँ पे आपको वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। यहाँ ऊपर की तरफ आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे 808, ड्रम किट, ड्रम पैड और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के नाम देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अभी हमें जरूरत है ड्रम किट या ड्रम पैड की, तो आप इनमें से किसी में से भी एक ड्रम किट या ड्रम पैड सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मुझे फिलहाल तो 808 ड्रम किट की जरूरत है, तो 808 ड्रम किट जो होती है वो आपको ड्रम पैड्स के अंदर मिलेगी। तो सिंपली मैं ड्रम पैड्स की हेडिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ तीसरे नंबर पे मेरे को देखने के लिए मिल जाती है 808 किट। सिंपली मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद मेरे सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा जो एक सिंबल दिख रहा है ना, ये वाला जो ऐसा कुछ साउंड कर रहा है, ये होती है मेरी हाई हैट।
तो 808 किट को लेने के पीछे मेरा रीजन यही था कि हमें एक हाई हैट से पैटर्न रेडी करना था, और 808 किट की हाई हैट बहुत अच्छी होती है, जैसे आपने सुन के भी देख लिया। तो हमें इस मेलेडी के लिए एक हाई हैट का पैटर्न रेडी करना है, तो उसको रेडी करने के लिए हम कॉर्ड शीट का यूज़ करेंगे या फिर ड्रम शीट कह सकते हो आप इसमें। तो ड्रम शीट को एक्सेस करने के लिए आप सिंपली नीचे जो आपको ये आइकन दिख रहा है इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा, और ये रही हमारी हाई हैट, ठीक है। इसी के आगे आगे आपको हाई हैट का पैटर्न रेडी करना है। तो हम ट्रैप टाइप बीट बना रहे हैं, तो उसका मैं हाई हैट का पैटर्न कुछ इस तरीके से रखता हूँ कि एक लगाऊंगा, फिर एक छोटे डब्बे का गैप छोड़ूंगा, एक लगाऊंगा एक छोटे डब्बे का गैप, और ऐसे ही करके मैं एक से लेके दो तक ये चीज़ करूँगा, ठीक है। बस ये आखिरी बच गया, और देख सकते हो आप मैंने एक से लेके दो तक करा, यहाँ एक से लेके आप इधर दो तक देख सकते हो। तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ ड्रम शीट से, यहाँ से भी बाहर निकल के मिक्स एडिटर में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा पैटर्न जो हमने ड्रम पैड या फिर ड्रम किट में बनाया था। इस पर एक बार क्लिक करके मैं इसका लूप बना लेता हूँ, इस लूप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, और इसको चला लेता हूँ मैं 8 times, मतलब एक बार ओरिजिनल और 7 times उसकी लूप्स। तो 8 पे क्लिक करके टिक वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो ऐसा कुछ मेरा हाई हैट का पैटर्न बन चुका है, इसको प्ले करके सुन लेते हैं। तो हाई हैट्स तो एकदम सही साउंड कर रही है, कहीं ऑफ नहीं जा रहा हमारा, बिल्कुल ठीक जगह पे लगी है हाई हैट्स। अब हम फटाफट इस पे इफेक्ट भी लगा लेते हैं कुछ। तो इफेक्ट लगाने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर एफएक्स पे क्लिक करता हूँ, और अब आपको क्या करना है, रिकमेंडेड वाली इस पे जो हेडिंग दिख रही है इस पे एक बार सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बेस बूस्ट का एक ऐसा प्रीसेट देखने के लिए मिल जाएगा, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ी कस्टमाइजेशन करने वाले, तो इस आइकन पे क्लिक करना, फिर उसके बाद आपको ये जो इसके बगल में टेक्लैब कंप्रेसर दिखेगा इसकी जो गेन है इसको 60 कर देना, ठीक है, मतलब बढ़ा के 60 तक कर लेना, बस इतना ही करना है, बाकी चीज़ पे मत छेड़ना, बस इतना ही काफ़ी है। और एक बार सुन के देख लेते हैं हम इसमें क्या फर्क पड़ा। तो बस इसी के साथ हमारा हाई हैट का पैटर्न रेडी हो गया ट्रैप टाइप बीट के लिए। आपको स्टेप्स भूलने नहीं है, सबसे पहले आपका स्टेप होगा मेलेडी क्रिएट करना, ठीक है। मेलेडी अगर क्रिएट नहीं हो रही तो बैंड लैब साउंड में से कोई भी मेलेडी आप सिलेक्ट कर सकते हो, हिप हॉप ट्रैप वाली। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 808 ड्रम पैड लेना है, और उसमें आपको हाई हैट का पैटर्न रेडी करना है कुछ इस तरीके से। वैसे तो जनरली जो हमारी ट्रैप टाइप मेलेडीज होती है इसका जो बीपीएम होता है 140 से ऊपर ही होता है। अगर आप वाली का कम है और आपके उसमें हाई हैट का पैटर्न सही साउंड नहीं कर रहा, तो आप जो हाई हैट के जो नोट्स आपने लगाए ना इसको थोड़ा खिसका के गैप देने की कोशिश करना इसमें। और जब आपकी भी हाई हैट मेरी वाली हाई हैट की तरह ऊपर वाली मेलेडी के साथ ब्लेंड होने लगे, तब आपको बढ़ना है अगले स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको इस मेलेडी के लिए क्लैप का कुछ पैटर्न रेडी करना है जो कि आपके हाई हैट और मेलेडी के साथ सिंक हो। तो मैं सिंपली प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके एक ड्रम पैड ले लेता हूं। तो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट पे क्लिक करने के बाद ऊपर हेडिंग को स्क्रॉल करके मैं करता हूं ड्रम पैड वाली हेडिंग पे क्लिक। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ट्रैप टाइप बीट बना रहे हो तो क्लैप के लिए आप ट्रैप ड्रम पैड का यूज करें, जो कि यहीं कहीं नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाता है। कहां गया, नीचे की तरफ, हाँ ये रहा। तो ये रहा हमारा वो ड्रम पैड, सिंपली मैं इस पर कर लेता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद वही इंटरफेस जो हमें पहले देखने के लिए मिला था। अब हमें इसका पैटर्न रेडी करना है क्लैप का, जो कि कुछ ऐसा साउंड करती है, ये रही हमारी क्लैप। तो इसका पैटर्न भी हम ड्रम शीट में रेडी करेंगे। तो ड्रम शीट के लिए मैं सिंपली इस वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ नीचे, और खोल लेता हूँ हमारी ड्रम शीट। ड्रम शीट में आपको जो आइकन दिख रहा है एक हाथ के ऊपर एक हाथ, यही हमारा क्लैप का बटन है, ठीक है। इसी के आगे आपको क्लैप का पैटर्न रेडी करना है। अब सबसे पहले हम एक बार सुन के देख लेते हैं कि कहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी क्लैप की। ये तो मैं कुछ ज़्यादा ही आ गया कि एक से लेके दो तक चलाता हूँ बस। तो यहीं कहीं लगाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे 1.2 पे यहाँ पे लगा के सुनता हूँ एक बार, एक और बार सुन लेते हैं। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि ये क्लैप बहुत जल्दी बज जा रही है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा खिसका के पीछे की तरफ लगा के अब सुनता हूँ। अब ये भी अजीब लग रही थी, तो थोड़ा और खिसका के देखते हैं। अब लग रहा है कि धीरे धीरे ठीक हो रही है, थोड़ा सा और खिसका के देखते हैं। 1.3 पे लगा देता हूँ मैं इसको अब, और अब सुन के देख लेते हैं एक बार। हाँ ये वाला थोड़ा सही लग रहा है, पर एक बार मैं थोड़ा और खिसका के देखूंगा पीछे की तरफ। नहीं नहीं नहीं, इसमें थोड़ा ऐसा लगा है कि देर में बजी क्लैप, तो हमारी जो सही पोजीशन है क्लैप की वो 1.3 पे, मतलब तीसरे बड़ू डब्बे के पहले छोटू डब्बे में। बस इसी तरीके से आपको भी क्लैप का पैटर्न रेडी कर लेना है अपनी मेलेडी के लिए। अब यहाँ से आ जाते हैं बाहर, यहाँ से भी आ जाते हैं बाहर, और इसका भी लूप चला लेते हैं हम। तो एक बार करूंगा इस पर मैं क्लिक, और फिर 8 वाले ऑप्शन पे करूंगा क्लिक, और 8 times इसकी लूप चला लेंगे, और टिक के ऑप्शन पे कर देंगे क्लिक। एक बार इसको सुन के देख लेते हैं कैसा साउंड कर रहा है। तो बस इसी के साथ हमारा दूसरा स्टेप भी हो चुका है पूरा। अब हम इस क्लैप पे भी कुछ इफेक्ट लगा देते हैं, जो ट्रैप टाइप की ड्रम किट है इस पर। तो एक बार मैं सिंपली यहाँ करूँगा क्लिक, एफएक्स पे करूँगा क्लिक, और यहाँ पे रिकमेंडेड पे करूँगा क्लिक। यहाँ पे मुझे बेस बूस्ट का प्रीसेट दिखेगा, इस पर करूँगा क्लिक, इससे कस्टमाइज़ करेंगे पहली बार की तरह। इसके गेन को कर दूँगा 60,
और ये 60, हाँ ठीक है 60 हो गया। यहाँ से आता हूँ बाहर, यहाँ से आता हूँ बाहर, और यहाँ का काम हो चुका है पूरा। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की ओर। नेक्स्ट हम ऐड करने जा रहे हैं हमारे एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट को, जो कि एक केक, जो कि सिंक कर सके ऊपर वाली मेलेडी और जो भी हमने एलिमेंट ऐड कर रखे हैं इनके साथ। केक बनाने के लिए भी हमें एक ड्रम पैड या ड्रम किट की जरूरत होगी, तो इसके लिए मैं वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट पे आ जाता हूँ। ऊपर की तरफ आपको ड्रम पैड वाली हेडिंग पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे से आपको एक ड्रम पैड सिलेक्ट करना है। अब हम ट्रैप टाइप बीट बना रहे, तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट ड्रम किट या ड्रम पैड रहेगा वो मुझे लगा फ्यूचर ट्रैप करके, जो कि आपको इस लिस्ट में नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। आप अपनी मनपसंद का कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो सिंपली मैं इसे यहाँ से कर लेता हूँ सिलेक्ट और ऐड कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। अब अगर आपको पता नहीं कि किक कैसे साउंड करती है, कैसे दिखती है इस विंडो में, तो मैं आपको प्ले करके बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो आप साउंड सुन रहे हैं हमारी किक के साउंड है और ये हमारा सिंबल है किक का। अब हम फटाफट अपनी ड्रम शीट में चले जाते हैं और अपना पैटर्न रेडी करते हैं इस किक का। तो किक के नोट को प्लेस करने से पहले या फिर पैटर्न को रेडी करने से पहले हम एक दो बार सुन के देख लेते हैं ऊपर की मेलेडी को, जिससे हम सही जगह पे प्लेस कर सके नोट्स को। एक बार और सुन के देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला नोट मैं सबसे पहले छोटे डब्बे पे प्लेस करूंगा, अब सुन के देख लेता हूँ एक बार। तो अजीब तो कुछ लगा नहीं, सब सही था। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे बड़े डब्बे के पहले छोटे डब्बे में, मतलब यहाँ पे 1.2 पे प्लेस करके देखता हूँ, एक और किक प्ले करके सुनता हूँ। तो यहाँ पे जो सेकंड नोट है ये लग रहा है कि जल्दी बज रहा है, तो इसको मैं खिसका के पीछे की तरफ कर देता हूँ एक बार थोड़ा सा, और सुन के देखते हैं। तो अभी भी ये नोट गड़बड़ा रहा है, इसको थोड़ा सा और पीछे, जरा से एक छोटा डब्बा पीछे लेके जाऊंगा, अब सुनता हूँ। हाँ, अब ये नोट अपनी सही पोजीशन पे लगा है सेकंड वाला, एक बार दोबारा से सुन के देख लेते हैं एक साथ। ओके, अब तीसरी वाली कहाँ पे लगेगी भाई, अब यही दिमाग में चल रहा है ना। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने 5 छोटे डब्बे का गैप छोड़ा था, यहाँ पे 5 छोड़ के यहाँ पे लगाता हूँ, एक बार सुन के देख लेता हूँ कैसा साउंड कर रहा है। तो अपना तीसरा नोट भी एकदम सही जगह पे लगा है, अच्छा साउंड कर रहा है। अब मुझे लगता नहीं है कि मेरे को ये लूप में चलाना चाहिए, क्योंकि लूप में चलाऊंगा फिर ये गड़बड़ा जाएगी बीट, तो इसलिए मैं आगे भी पैटर्न बनाऊंगा। तो मेरे को लग रहा है कि 2 पे यहाँ पे भी किक की जरूरत है, एक बार सुन के देख लेते हैं। तो एकदम सही जगह पे लगा नोट, एकदम अच्छा साउंड कर रहा है। अब अगले वाले की बारी। तो अगला, यहाँ पे मैंने 3 का गैप छोड़ रखा है, तो इधर भी 3 का गैप छोड़ के लगा के देखता हूँ, क्या पता पिछली बार की तरह हो जाए, यहाँ भी सही जगह पे नोट लग जाए। ये 3 बार हो गया और अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा खिसका के अब सुनता हूँ। तो अभी मुझे लग रहा है कि इसे और थोड़ी गैप की जरूरत है, अब यहाँ पे लगा के देखता हूँ। तो सही साउंड कर रहा है। अब अगला नोट कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे मैंने छोड़ा है करीबन 5 का गैप, तो इसके नोट के बाद भी मैं 5 का गैप छोड़ के लगा देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे लगा देते हैं हम अपना नोट, 5 का छोड़ा तो इधर यहाँ पे नोट, अब सुन लेते हैं एक बार। बस कुछ इसी तरीके से फाइनली हमारा किक का पैटर्न भी रेडी हो चुका है, जो कि कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। आपको भी बस इसी तरीके से अपना किक का पैटर्न रेडी कर लेना। आपको बस ये देखना है कि वो अगर नोट आपका जल्दी बज रहा है तो उसको थोड़ा खिसका दो पीछे की तरफ, अगर आपका लेट बज रहा है तो थोड़ा आगे की तरफ खिसका दो। अब हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं, इधर से भी मैं बाहर आके मिक्स एडिटर विंडो में आ जाता हूँ अपनी, और इसका भी लूप हम चला लेते हैं इनके साथ साथ। तो इस पर क्लिक करता हूँ, फिर लूप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी 4 times लूप चला लेता हूँ यहाँ से, और टिक के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारे किक का काम भी पूरा हो चुका है। अब हमारा आखिरी स्टेप बच रहा है, उससे पहले एक बार सुन के देख लेते हैं इसको जितना हमारा बना है। तो ऐसा कुछ साउंड कर रहा है अभी हमारा प्रोजेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इस किक पे भी कुछ इफेक्ट लगा लेते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे जाके एफएक्स पे आ जाता हूँ, और इस पे भी हम वही इफेक्ट लगाएंगे जो हमने बाकियों पे लगाए। रिकमेंडेड पे जाके बेस बूस्ट, इसमें जो सेटिंग्स है आपको उसी तरीके से आपको भी सेटिंग्स कर लेनी है, जैसे ग्राफिक ईक्यू की सेटिंग अगर मैंने कुछ छेड़ी होगी तो आप चेंजेस कर लीजिएगा अपने उसमें भी। अब हमारा आखिरी और फाइनल स्टेप बचता है, जिसमें हमें एक स्नेयर का पैटर्न रेडी करना है, जो ऊपर वाली मेलेडी और ये जो एलिमेंट हमने क्रिएट करे इनके साथ सिंक हो सके। अब स्नेयर का पैटर्न रेडी करने के लिए भी मैं फ्यूचर ट्रैप किट का यूज़ करने वाला हूँ, जो कि मेरे को ड्रम पैड्स में मिल जाता है। सिंपली आपसे क्लिक करूँगा यहाँ नीचे स्क्रॉल करके, फ्यूचर ट्रैप कहाँ गया, ये रहा, सिंपली इस पर क्लिक कर लेता हूँ। और अगर आपको पता नहीं है कि स्नेयर कैसा साउंड करती है, कैसे दिखती है, तो ये रही हमारी स्नेयर, ये ऐसा कुछ साउंड करती है। तो बस अब हम जान चुके हैं स्नेयर कौन सी है, तो अब हम ड्रम शीट खोल लेते हैं और स्नेयर का पैटर्न भी रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं मेलेडी को सुन के देख लेता हूँ कि कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। एक और बार सुन के देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहीं लग रहा है मुझे कि यहाँ पे स्नेयर की ज़रूरत पड़ सकती है मेरे को। स्टार्टिंग से मैंने एक बार देख लेता हूँ कितने छोटे डब्बे की जगह छोड़ रखी है। तो स्टार्टिंग से मैंने 4 ये हो गए 8,
ये हो गए 9 10 11 12 और ये 13 14, 14 छोटे डब्बे का गैप छोड़ा। और यहाँ पे एक बार स्नेयर लगा के देखता हूँ मैं कि ये फिट भी हो रही है नहीं हो रही। ओके तो एक बार सुन के देख लेते हैं अब। तो एकदम परफेक्टली सही जगह पे लगा ही है। अब एक बार यहाँ पे भी एक स्नेयर लगा के देखता हूँ 3 छोटे डब्बे छोड़ के। वाह तो एकदम बढ़िया तरीके से हमारे स्नेयर का बैटन भी रेडी हो चुका है। एक बार सुन के देख लेते हैं दोबारा इसको पूरा। तो मुझे लग तो नहीं रहा कि मुझे और स्नेयर डालने की ज़रूरत है क्योंकि फिर एक्सेस लगेगा, इसीलिए मैं बाहर आ जाता हूँ, यहाँ से भी बाहर आ जाता हूँ, इसका लूप बना लेता हूँ मैं फटाफट। तो एक बार करता हूँ इस पर सिंगल टैप, लूप के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो सब चीज़ एकदम बढ़िया साउंड करी है। फटाफट हम इस किट पे भी इफेक्ट लगा लेते हैं। तो इस पे भी हम बेस बूस्ट इफेक्ट ही लगाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर इसमें कुछ कस्टमाइजेशन मैंने कर रखी होगी तो आप भी वो कस्टमाइजेशन कॉपी कर लेना, ठीक है। बाकी इसके बाद हम सुनते हैं अपना फाइनल रिजल्ट जो हमारा बना है। तो ये था तरीका ट्रैप टाइप बीट को बनाने का बैंडलैब एप्लीकेशन में। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको इस वीडियो के और भी पार्ट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बैंडलैब से रिलेटेड ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए।